खूबसूरत नजर आना जनाब हर इंसान की बुनियादी ख्वाहिश होती है और इसके लिए मर्द हो या फिर ख्वातीन हो जिद्दोजहद करते ही रहते हैं। ख्वातीन खास तौर पर उनका जो मेकअप करना वो एक आम प्रैक्टिस है हमारे लिए। तकरीबन तमाम ख्वातीन को ही मेकअप की किसी ना किसी हद तक ज़रूरत पड़ती है, जो कुछ घंटों के लिए तो अच्छा रहता है और उसके बाद हमें दोबारा वो करने की ज़रूरत पड़ती है या टचअप करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसी टेक्निक्स मार्केट में आ चुकी हैं जिसकी मदद से आपको बार बार मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माइक्रो पिगमेंटेशन या परमानेंट मेकअप एक ऐसा ही मेकअप का तरीका है जिसको करवाने के बाद आपको रोज़ मेकअप नहीं करना पड़ता और ना ही आपको चेहरे को बार बार साफ़ करना पड़ता है और ना ही जो हम लोग टचअप करते हैं बार बार मेकअप के बाद वो करना पड़ता है, ना उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ख्वातीन में ये जो रुझान है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ और सियासी शख्सियात भी इससे मुस्तफीद हो रही हैं। तो ये सेमी परमानेंट मेकअप होता क्या है, कैसे किया जाता है और ये कितने अरसे तक यूज़ में लाया जा सकता है और इसके कितने सेशंस होते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जुनैरा वैस हैं जो परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट हैं। जुनैरा मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। लाहौर में कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जुनैरा, जिस तरह मैं बात करी थी कि हम सारी ख्वातीन की अगर बात की जाए तो हमें कहीं ना कहीं जाने के लिए मेकअप करने की ज़रूरत पड़ती है और उसको दोबारा से हमें रीटच करना पड़ता है, तो हमें बताइए जो सेमी परमानेंट और परमानेंट ब्यूटी ट्रीटमेंट्स इस वक्त मार्केट में आ चुकी हैं ये है क्या, इसके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में बता दें। सेमी परमानेंट मेकअप की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। ओके, फॉर एग्जांपल माइक्रोब्लेडिंग है आईब्राउज की, जिसमें हम आपके आईब्राउज को मेकअप कर देते हैं, शेप अप कर देते हैं परमानेंटली। परमानेंटली नहीं, मैं कहूँगी सेमी परमानेंटली कहूँगी क्योंकि इसकी लाइफ होती है तकरीबन 3 साल। ठीक है जी। हाँ, तो जैसे कुछ लोग हैं उनकी आईब्राउज बहुत घनी नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, शेप नहीं ठीक है, तो वो फिर हम इस तरह से उनको ड्रॉ करते हैं कि वो आपकी स्किन पे स्टे करती हैं तकरीबन 3 साल तक। इसी तरह लिप टिंट होता है, जैसे लिपस्टिक हम लगाते हैं। हाँ, तो कुछ लेडीज़ का प्रॉब्लम होता है कि लिप्स डार्क होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं, तो वो लिपस्टिक के बगैर कहीं जा ही नहीं सकती। ज़ाहिर आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि मेरे लिप्स डार्क। एग्जैक्टली। हाँ, तो उनके लिए फिर हम परमानेंट लिप कलर लगा देते हैं उनको और वो फिर आप नेचुरल साइड पे भी जा सकते हैं, थोड़ा अगर बोल्ड कलर चाहते हैं तो आप उस पे भी जा सकते हैं। जी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट किस पे है। दूसरा, मुझे जुनैरा आप मुझे बताइए आपको ख्याल कैसे आया कि आपने ये जो ट्रीटमेंट्स है ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ये करना शुरू करने और ये कितने सेफ हैं? ये मुझे ख्याल आया, मैं तकरीबन 4 साल से काम कर रही हूँ, मेरा 5वां साल है इन द बिजनेस, और ख्याल बस इस तरह से आया कि जब आप ट्रैवल करते हैं स्पेशली यूएई की साइड पे, तो आप देखते हैं कि सब ख्वातीन जो हैं वो इतनी प्रॉपर उनकी आईब्रोज बनी होती हैं और पिंक उनकी चीक्स होती हैं और एक बड़ा डिफाइंड से लिप्स होते हैं। तो मैं भी इसी तरह ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तो इस तरह से फिर मुझे ख्याल आया और शौक तो था ही खैर मुझे तो, और हमारे पास इधर उस वक्त ये कोई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं थे पाकिस्तान में, कोई भी नहीं कर रहा था। तो तब मैंने सोचा कि कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करानी चाहिए जिससे हमें भी फ़ायदा हो। एग्जैक्टली, ख़ासतौर पर ख़वातीन को जो है वो फ़ायदा हो। दूसरा, जैसे मैं भी बता रही थी कि बहुत सारी जो है सेलिब्रिटीज़ भी आपके पास आती हैं करवाने के लिए, मरियम नवाज़ के हवाले से भी हमने सुना था, तो क्या ज़्यादातर डिमांड किस चीज़ की होती है जुनैरा? आईब्रोज़ की होती है, लैश एक्सटेंशंस की होती है, किस चीज़ की ज़्यादातर डिमांड होती है? जो बहुत ज़्यादा रनिंग हमारी सर्विसेज हैं उसमें आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा, आईब्रोज़ के बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। उसके अलावा लैशेस बहुत ट्रेंड कर रही हैं आजकल, फैशन में है। ओके, ख़ास तौर पे अभी वेडिंग सीज़न है तो सब लड़कियां जो हैं वो लैशेस लगवाना चाह रही हैं, उनकी भी लाइफ तकरीबन 6 मंथ्स होती है आई लैश एक्सटेंशन जो आप लगवाते हैं। तो ज्यादातर ये चीजें आईलैश और आईब्रोज, लिप टिंट भी बहुत ज्यादा फैशन में है। लेकिन इसका फिर प्रोसेस क्या होता है, कितना टाइम लगता है अगर आईलैश की बात की जाए तो? आईलैश एक्सटेंशंस करने में 1 घंटा लगता है और बाकी ट्रीटमेंट्स को भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम। जैसे अगर आप आईब्रोज करनी है तो उसमें मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, लिप टिंट करना है
तो उसमें भी इतना ही टाइम लगता है। ब्लश ऑन अगर आपने लगवाना है तो उसमें भी तकरीबन नेचुरल ब्लश ऑन भी हम लगवा सकते हैं ताकि हमारी चीक्स जो है वो नेचुरली जो है पिंक पिंक हो जाए, हमें टेंशन ना हो कि जनाब हमने कहीं बाहर जाना है तो हमें मेकअप करना पड़ेगा। दूसरा जुनैरा, मतलब ये जिस तरह आईलैश की बात करें, एक्सटेंशन बहुत ज्यादा लगवा रहे हैं, तो ये वेरी करता है कि किसने कितनी थिक लगवानी है, कितनी ज्यादा? सारे प्रोसीजर्स ही ऑलमोस्ट देयर ऑल कस्टमाइज्ड, आपकी ज़रूरत और आपकी जैसे आप चाह रहे हैं मतलब उसके मुताबिक ही हम करते हैं। किसी को अगर बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत डेंस चाहिए तो फिर हम ज़्यादा लगाते हैं, किसी को बहुत नेचुरल लुक चाहिए तो हम नेचुरल लुक देते हैं। और आजकल लड़कियां जो है वो परमानेंट आईलाइनर भी लगवा रही हैं। जी बिल्कुल, वो भी हम करते हैं परमानेंट आईलाइनर भी। तो ये किस तरह, क्या उनकी आईज की शेप देखकर लगाया जाता है उनको कि किस तरह? जी पहले हम ड्रॉ करते हैं पेंसिल से उनको लगा के, इवन विद आईब्राउज, लिप्स को भी जब हम टिंट करते हैं तो शेप, कलर, हर चीज क्लाइंट के साथ डिस्कशन होती है प्रॉपर, उसके बाद फिर हम वहाँ से फिर प्रोसीजर शुरू करते हैं। और ये सारे ट्रीटमेंट्स में सब की बात कर रही हूँ, कितने अरसे तक होते हैं और बार बार हमें कितना रीटच करवाना पड़ता है इनको? इनकी जो मिनिमम लाइफ है वो 3 years है। ओके, ठीक है। और 5 साल तक भी ये स्टे कर सकते हैं। स्टे कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर उसके बाद अगर एक दफा हमने करवा लिया कि उसके बाद भी हमें सेटिंग्स लेनी पड़ती हैं रिटच के लिए? वो भी आपकी स्किन टाइप पे वेरी करता है। कुछ लोग जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो तो उनको शायद 2 साल बाद एक टचअप कराना पड़े। इसी तरह कुछ लोग अगर किसी के कोई हेल्थ इश्यूज हैं, कोई सर्टेन मेडिकेशन पर हैं, तो उन पे भी पिगमेंट बहुत ज़्यादा देर स्टे नहीं करता। बट फिर भी आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट बिक�ज आप मेरे ख्याल में अगर आपके 2-3 साल भी गुजर जाते हैं तो नॉट बैड। दूसरा जुनैरा, आपने देखा कि जो माइक्रो नीडलिंग करवाते हैं बहुत से लोग, लेकिन वो फेड होना शुरू हो जाती है, येलोइश सी टोन आना शुरू हो जाती है। हमें इस वाले से बताइएगा उनकी क्या वजह है? कोई वो प्रोबेबली अच्छे पिगमेंट्स नहीं यूज कर रहे होंगे। ओके, अगर इफ योर पिगमेंट इज चेंजिंग कलर, इट मींस के वो लो क्वालिटी का पिगमेंट है। मतलब इसमें भी क्वैक्स आ चुके हैं बिल्कुल हर जगह है। तो आप लोगों को ये ख्याल रखना है कि आप किसके पास जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो कितना प्रोफेशनली लेकर चल रहा है। पोर्टफोलियो देखें अपने सेमी परमानेंट आर्टिस्ट का, उनका क्लाइंटल देखें और फिर उनका काम देखें ऑफकोर्स, और फिर आप डिसाइड करें। ये ना आप किसी गलत आर्टिस्ट के हाथ चढ़ जाएं और उसके बाद फिर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने काम ठीक भी किया हुआ है। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, जाहिर है एक चीज़ आती है ट्रेंड में तो काफ़ी सारे लोग काम करना शुरू कर देते हैं। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें कि आपका जो आर्टिस्ट है वो सर्टिफाइड है, कहाँ से सर्टिफाइड है, व्हाट पिगमेंट्स ही और शी इज़ यूजिंग। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके चेहरे का मामला है। एग्जैक्टली, हाँ। और एक चीज़ आपने अगर करा ली है जो कि सेमी परमानेंट है तो उसको फिर आप वैसे लेके 3-4 साल गुजारना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। तो ये सोच के प्लीज आप के पास भी जाएं। दूसरा जुनैरा, आई लैशेस की जैसे हम बात कर रहे थे कि जब वो लगती हैं एक्सटेंशंस, तो बहुत से लोग कहते हैं जब हम आई लैशेस लगवा रहे हैं, एक्सटेंशन लगवा रहे हैं, तो जो हमारी अपनी लैशेज हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं या उतरना शुरू हो जाती हैं, तो ये कितनी दुरुस्त है बात? वेल, इसकी दो मैं कहूँगी वजह हो सकती हैं। एक तो ये अगेन योर आर्टिस्ट इज नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड, ठीक है, उसको अपना काम नहीं पता। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा, अगर बहुत फ्रीक्वेंटली आई लैशेज लगवा रहे हैं तो उस वजह से होता है। मतलब यू नीड टू गिव योर लैशेज अ ब्रेक। आई रिकमेंड कि आप 2-3 महीने बाद लैशेज़ को एटलीस्ट 1 month की ब्रेक दें, जिसमें आप लैश सीरम्स यूज़ करें, आप कैस्टर ऑयल यूज़ करें ऑन योर लैशेज। उसके अलावा और कोई वजह नहीं। लेकिन दूसरा, अगर ये ट्रीटमेंट करवा ली, एक्सटेंशन लगवा ली है हम लोगों ने आई, तो उसके बाद फिर हमें क्या क्या केयर करने की ज़रूरत होती है? लैशेज की केयर ये है कि आप नंबर 1 तो ये है कि आप ऑयल बेस्ड चीज़ें आँखों के अराउंड यूज़ ना करें। ओके, बिकॉज हम एक्सटेंशन लगाते कैसे हैं? ग्लू से, ठीक है, स्पेशल ग्लू, तो वो लैश के ऊपर लैश हम अटैच करते हैं। ओके, तो जाहिर है आप उसकी केयर यही है कि आप आंखें मले नहीं और ऑयल बेस्ड चीज़ें ना यूज़ करें अराउंड द आईज, और लैशेस को साफ रखें, बहुत ज़्यादा मेकअप ना करें, आई मेकअप जो कि लैशेस में फंसे आपकी और फिर वो गंदी हो जाएँ। तो ये छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप जब करवा लेते हैं और फिर आपको gradually you get the hang of it, आपको समझ आ जाती है कि अब इनको ऐसे रखना है। आपने किस तरह उसकी टेक केयर करनी है। खवातीन को तो वैसे ही
उनको बड़ा एग्जैक्टली उनको पता होता है कि हमने किस तरह करना है।